नमस्कार साथियों, और आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ नौका विहार। वीरांगना फूलन देवी जी के गांव में शेखपुर गुढ़ापुरवा कालपी जालौन आज नौका विहार करने आए थे। इतने दिन हो गया था, आज आए काम से। आज थोड़ा सा लाभ लगे तो है मिस्त्री पर, चले आए थे नदी की तरफ। आप लोगों को दिखाऊँ, यह है जमुना जी। आज बहुत अच्छा लग रहा है जमुना जी की, जमुना जी में नौका विहार। आप लोग भी आइए, आप लोगों को कराते हैं, या कभी आइए तो करके जाइएगा। घाट पे आइएगा तो ये भैया है घटवार, हमारा नाम बता दीजिएगा। बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं भाई जी। हम तो आ ही नहीं रहे थे भाई जी, कह के लेके आए चलो भैया उस बार घुमा लाए। और बहुत ये है साथियों, वो धरती है जहाँ पे आप आना बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक तो ये ऐसा धाम है कि इस धाम पे जब भी आएंगे आप आएगी। जमुना जी के किनारे, जमुना जी में आज घूमने आए थे, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को दिखाऊं बैक कैमरा करके, देखिए ये है जमुना जी की तलहटी, जिसे सुन के खौफ भर जाता है लोगों के मन में, जिसका नाम है चंबल घाटी। अभी आगे है चंबल घाटी, है जमुना जी है, चंबल नदी इसमें मिल गई है। चंबल की घाटी यहाँ से दूर है अभी। और ये जिसे कहते हैं ना बीहड़, और सामने बीहड़ है थोड़ी दूर। यहाँ मतलब गांव नहीं है, इसके बीच में कोई भी एक भी घर नहीं है। थोड़ी दूर तक खेती जरूर है, उसके बाद बीहड़ ही बीहड़ है, जहाँ पे एक से एक धुरंधर बागी रहा करते थे। साथियों आइए कभी ऐसी जगह आइए जहाँ पे आके ना शरीर में मर्दानगी की ताजगी आती है, जुर्म से टकराने की ताकत मिलती है इस मिट्टी पर आने के बाद। स्वतः न जाने ऐसा क्या है इस मिट्टी में, जब भी इस मिट्टी पे आप आइए आपके अंदर सोया हुआ पौरुष जाग जाएगा। बड़े से बड़े चट्टान से टकराने की हिम्मत आप में अपने आप आ जाएगी। राजेश भैया जी प्रणाम भैया, बहुत अच्छा। गुरु जी आपको भी नमस्कार। ध्रुवलाल ध्रुव भैया यादव जी नमस्कार भैया, ध्रुवराज भैया, मुकेश बाबू आपको भी नमस्कार, और श्री हरि किशन निषाद जी गुरु जी आपको भी नमस्कार। भैया जी को प्रणाम, राजेश भैया को, राजकुमार कश्यप भैया आपको भी नमस्कार, यशवंत बिंद भैया आपको भी नमस्कार, और मुलेश्वरी कुमार बिंद आपको भी भैया नमस्कार, दीपक निषाद भैया नमस्कार, दीनानाथ निषाद आपको भी नमस्कार, सभी को नमस्कार भाई जी। शिव कुमार भैया, शिव कुमार विश्वकर्मा जी हमारे गोंडा जिले की आन बान शान आपको भी नमस्कार, संजय दुबे जी आपको भी नमस्कार। और इस समय हम हैं बीहड़ इलाके में, वीरांगना फूलन देवी जी के गांव की नदी की आज यात्रा करने गए थे, इस पार आ गए हैं। बहुत बहुत साथियों, भैया जी प्रणाम, हमारे बड़े भैया अलखराम भैया जी आपको भी नमस्कार सभी को। और ये है यहाँ की जमुना नदी, और ये है यहाँ के गांव। आ जाए थे यात्रा करने, जल यात्रा। और ये आप कुछ भी नहीं है, फिर भी आपके अंदर वो ऊर्जा मिल जाती है कि बड़े से बड़े चट्टान से टकराने का हौसला आप में आ जाएगा स्वतः ही। बहुत मजबूत मिट्टी है, इसने बहुत सारे क्रांतिकारी साथियों को जन्म दिया है, जिन्होंने पूरे देश में अपने पौरुष का लोहा मनवाया है। उन्हीं सब में से एक थी वीरांगना फूलन देवी जी, जिनका ये गांव है, जिनके नाम से इस गांव की आज पहचान है पूरे देश में। इस जिले के किसी भी कोने के लोग अगर जाके कह देते हैं कि हम लोग फूलन देवी, खौफ तो आ ही जाता है मन में। बड़े से बड़े जुर्म जास्ती करने वाले के मन में भी एक बार आता है कि ये कौन सी मिट्टी से आए हुए लोग हैं। ये है जमुना जी, और इधर है चंबल,
और बेहमई गांव भी इधर पीछे ही है। नमस्कार साथियों।